जय हो छठी मैया की। पूर्वांचल वासियों को बहुत बहुत बधाई। बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा द्वारा किया गया संघर्ष रंग लाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने माननीय उपराज्यपाल जी को पत्र लिखा कि छठ पूजा के लिए समय अनुकूल है और छठ पूजा पर प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए। सभी पूर्वांचल वासियों के साथ मिलकर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष रंग लाया है। और आखिरकार ये वही मुख्यमंत्री जो अभी दो दिन पहले छठ पूजा पर बैन लगाने की बात कर रहे थे, ये वही मुख्यमंत्री हैं। और अब जब पूर्वांचल वासियों ने अपनी ताकत दिखाई है, उन्हें झुकना पड़ा है और अब छठ महापर्व बड़े धूमधाम से दिल्ली में मनाया जाएगा। छठी मैया का प्रताप, छठी मैया का आशीर्वाद सभी दिल्ली वासियों को मिले, ऐसी कामना करता हूं। नमस्कार। नमस्कार। आप सबको जानकारी होगी कि दिल्ली में DDMA जिसका चेयरमैन LG है, उन्होंने एक ऑर्डर इश्यू किया और उन्होंने कहा कि कोरोना को देखते हुए दिल्ली में छठ पूजा नहीं हुआ। और फिर जो ही ऑर्डर आया उसके बाद दिल्ली में भाजपा इसके नाम पर राजनीति कर ले, जबकि DDMA के चेयरमैन LG हैं और LG केंद्र सरकार के अधीन होता है, यानी भाजपा के सरकार के अधीन है। अब देखिए ये किस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं कि पहले अपने LG को ऑर्डर देकर के ये ऑर्डर निकलवा दिया कि दिल्ली में छठ नहीं होना चाहिए और फिर घेरने आ गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। भाजपा की पूरी प्रदेश की टीम, भाजपा के सांसद, नॉर्थ ईस्ट के सांसद मनोज तिवारी जी जो दिल्ली के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, सब इस बाबत पहुंच गए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में छठ नहीं होने दे रहे हैं। अब आप सबको जानकारी होगी कि पूरे कोरोना के दौरान दिल्ली कोई भी आयोजन कैसे हो इसके लेकर गाइडलाइन DDMA इशू करती है या NDMA इशू करती है, जो नेशनल डिजास्टर की टीम है वो इशू करती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर भाजपा को और मनोज तिवारी जी को अगर छठ पूजा में आस्था होती तो पहला काम ये करते जाके LG साहब से बात करते, क्योंकि तो LG तो उनके हैं। भाई मैं विधायक हूँ, पिछले 3 साल से मैं LG साहब से बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ मुद्दों के बाबत आपसे मिलने, मुझे तो टाइम नहीं मिल रहा। भाजपा के एक पार्षद अगर फोन कर दे तो LG साहब नंगे पांव बाहर लेने पहुंच जाते हैं, और सांसद उनके लिए बहुत बड़ी चीज। सांसद एक बार अगर फोन कर देते मनोज तिवारी जी कि आपने ये गाइडलाइन कैसे इशू किया, ऑर्डर कैसे इशू किया, मैं दावे से कहता हूँ कि 1 सेकेंड के अंदर ऑर्डर बदल जाता, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। इसका मतलब है कि उनको छठ नहीं कराना था, उनको छठी मैया के नाम पर राजनीति करनी थी। चूंकि BJP को दिल्ली में सियासत की जमीन खिसक गई है तो छठी मैया के नाम पर वो जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। मनोज जी आपको पता है, आप तो पूर्वांचली हैं, कि छठी मैया की क्या महिमा है। कम से कम छठी मैया को तो बता सकते, उनके नाम पर तो कम से कम कोई राजनीति आप नहीं करते। लेकिन अब उससे भी आपका पर्दा हट गया है। 2 दिन पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखा है। क्योंकि ये मसला केवल दिल्ली का नहीं है, पूरे उत्तर भारत में छठ मनाया जाता है, या पूरे भारत में जहां के पूर्वांचल में छठ मनाया जाता है, तो केवल दिल्ली सरकार के लिए नहीं, अगर सभी सरकारें छठ के में क्या प्रोटोकॉल का पालन करे, अगर नेशनल डिजास्टर टीम और स्वास्थ्य मंत्री जी गाइडलाइन इशू कर देंगे तो पूरे देश में सभी सरकारों को छठ मनाने में आसानी हो चुकी। आपके एक्सपर्ट की टीम है। और आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने LG साहब को चिट्ठी लिखा है कि छठ पूजा को लेकर कोरोना को ध्यान में रखते हुए एक गाइडलाइन इशू कीजिए आप, ताकि दिल्ली में छठ मनाया जा सके। अब अगर आपको वास्तव में पूर्वांचलियों से थोड़ा सा भी प्यार है, अगर आप वास्तव में ये चाहते हैं कि दिल्ली में छठ पूजा हो, तो आप LG साहब से बात कीजिए, अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात कीजिए कि आप गाइडलाइन इशू कराइए ताकि दिल्ली में पूर्वांचली छठ मना पाए। क्योंकि आज पूर्वांचली असमंजस की स्थिति में है। लोगों को लगता है कि दिल्ली में छठ होगा कि नहीं होगा, लोग घर जा रहे हैं, घर में छठ मनाएंगे, तो ये असमंजस की स्थिति खत्म। अब
फिर मैं आपसे ही निवेदन करता हूं कि कम से कम छठी मैया की ही बात से ये पूरी राजनीति करना बंद कर दीजिए। आप अगर थोड़ी सी भी छठी मैया में आस्था है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ के पूर्वांचल की छठ पूजा मना पाए, तो जितनी ही मुस्तैदी से आपने यहाँ प्रदर्शन किया है, उतनी ही मुस्तैदी से आप अब अपने एलजी साहब से बात कीजिए, ताकि जल्दी गाइडलाइन आ पाए। क्योंकि मान लीजिए छठ पूजा के दो दिन पहले आप गाइडलाइन इशू एलजी साहब करेंगे, फिर कहेंगे छठ पूजा होगा, तो तैयारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि घाटों की साफ सफाई करनी है, आप बहुत सारे इंतजाम करने हैं, तो ये तुरंत अब जैसे ही दिल्ली के सीएम साहब ने चिट्ठी लिखा, आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि तुरंत आप जाएं अपने एलजी साहब के पास और कहें कि गाइडलाइन इशू कराइए। मुझे पूरा विश्वास है कि राजनीति बहुत हो गया, अब कम से कम दिल्ली में छठ हो पाए उसके लिए आप भी प्रयास करेंगे। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अगर जो ही गाइडलाइन आएगी, दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूरी सरकार, पूर्वांचली जितने भी हैं जो जहां छठ मनाते हैं, वो सभी जगहों की साफ सफाई और सभी इंतजाम करेगी, जिससे व्रती ठीक से पूजा जा पाए। तो यही निवेदन फिर से कि राजनीति बंद कर दीजिए और दिल्ली में पूर्वांचली छठ पूजा मना पाए, उसके लिए आप सार्थक प्रयास कीजिए।